SN लाइव सच सबसे आगे। सिवान के दारुंदा में अपराध की साजिश रचते बदमाश राखी सहित पांच गिरफ्तार। दारुंदा थाना क्षेत्र के रुकुंदीपुर वार्ड नंबर 2 के पुराना किसान भवन में अपराध की साजिश रचते जिले के टॉप 10 बदमाशों की सूची में शामिल राखी सहित पांच बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार बदमाशों के पास से पुलिस को एक देसी पिस्टल, 2 कट्टा, 5 गोली, दारुंदा थाना क्षेत्र से लूटा गया कैमरा, दारुंदा थाना क्षेत्र के चोरी हुई एक बाइक, एक चाकू, एक मास्टर चाबी एवं 67 पुड़िया स्मैक भी बरामद हुआ है। गिरफ्तार बदमाश राखी सिंह जिले के टॉप 10 बदमाशों की सूची में शामिल है। गिरफ्तारी में राखी के अलावा महाराजगंज थाना क्षेत्र के कपिया जागीर निवासी अरविंद कुमार उर्फ छोटू, दारुंदा थाना क्षेत्र के बल बंगरा निवासी अभिषेक कुमार, सुमंत राम एवं दारुंदा थाना क्षेत्र के रुकुंदीपुर भिखारीपुर के टोला निवासी चंदन कुमार गिरी शामिल है। मामले में SP श्री शैलेश कुमार सिन्हा ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता कर बताया कि ऐसी सूचना मिली थी कि कुछ बदमाश महाराजगंज क्षेत्र में किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने का प्रयास कर रहे हैं। इसके बाद सूचना शाखा के कर्मियों द्वारा तकनीकी ढंग से कार्य करते हुए इन बदमाशों की गतिविधि पर नजर रखी जाने लगी तथा इनकी गिरफ्तारी हेतु अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी महाराजगंज पोलस कुमार के नेतृत्व में 2 अलग अलग टीम का गठन किया गया। टीम ने 17 अगस्त की शाम दारुंदा थाना क्षेत्र के रुकुंदीपुर स्थित पुराना किसान भवन में अपराध की योजना बनाते हुए 5 बदमाशों को हथियार सहित अन्य सामानों के साथ में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार बदमाशों का पूर्व का आपराधिक इतिहास भी रहा है। सिवान से SN लाइव के लिए परवेज अख्तर की रिपोर्ट। अभी महाराजगंज थाना क्षेत्र में इधर कुछ लूट की घटनाएं बढ़ी थी तो इसलिए महाराजगंज SDPO के नेतृत्व में 2 टीम का गठन किया गया था, जिसमें एक टीम में महाराजगंज थाना प्रभारी, दरोदा थाना प्रभारी और दूसरे टीम में भगवानपुर थाना प्रभारी और अन्य पदाधिकारी शामिल किए गए। दोनों टीम तकनीकी अनुसंधान और सूचना के आधार पर कार्य कर रही थी। कल रात को छापेमारी के क्रम में दोनों टीम ने अलग अलग जगहों पर छापेमारी करी है, जिसमें जो महाराजगंज इंस्पेक्टर के नेतृत्व में जो टीम काम कर रही थी उसने छापेमारी करके 5 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से देसी पिस्टल 1, देसी कट्टा 2, 8 mm की 4 गोली, मोटरसाइकिल, चोरी की मोटरसाइकिल जो दरोदा थाना क्षेत्र से चोरी हुई थी और हाल ही में दरोदा थाना में एक लूट की घटना घटी थी 163/23, इसमें जो पैनासोनिक कैमरा लूटा था उसको भी बरामद किया है। इसमें इनके साथ पास से स्मैक जैसा नशीला पदार्थ भी करीब 67 पुड़िया बरामद हुआ है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात बताने वाली यह है कि इसमें एक बहुत ही कुख्यात अपराधकर्मी है रॉकी सिंह, जो राहुल सिंह पूर्व के भी कुख्यात अपराधकर्मी, उनके भाई हैं और हाल ही में जेल से छूट के आए थे, लगातार घटनाएं कर रहे थे, तो रॉकी सिंह की भी गिरफ्तारी इन लोगों के साथ हुई है। और रॉकी सिंह का काफ़ी ही बड़ा विस्तृत इतिहास है और जिले के टॉप 10 अपराधकर्मियों में शामिल है रॉकी सिंह, तो इनकी गिरफ्तारी हुई है। इनके गिरोह के और भी 4 सदस्य थे, उनकी गिरफ्तारी हुई है। इसी तरह दूसरी टीम भगवानपुर में कार्य कर रही थी, भगवानपुर की टीम ने भी 4 अपराधकर्मियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 2 पिस्टल, 2 गोली, 2 खोखा बरामद किया है। ये सारे अपराधकर्मी भी का भी एक आपराधिक इतिहास है और इस प्रकार कुल 9 अपराधकर्मी गिरफ्तार हुए। 9 अपराधकर्मियों के पास से 2 पिस्टल, 3 कट्टा, 7 गोली, खोखा 2, चोरी की बाइक 1, लूटा हुआ कैमरा 1, 67 पुड़िया स्मैक जिसका वजन करीब 32 ग्राम बरामद किया गया है। इनकी गिरफ्तारी एक पुलिस की बहुत बड़ी उपलब्धि है और निश्चित रूप से महाराजगंज अनुमंडल का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में अपराध और बहुत ज्यादा नियंत्रण। दुरंधर में जो पकड़े गए हैं लोग, साथियों का आपराधिक इतिहास है, कहाँ के रहने वाले हैं ये लोग? विस्तृत आपराधिक इतिहास है जो मैंने आपके प्रेस ब्रीफ में इसका एंट्री कर दिया है। जैसे रॉकी सिंह है, रॉकी सिंह पर लूट, हत्या, चोरी, रंगदारी मांगने का सारा केस दर्ज है, ये काफी बड़े अपराधकर्मी है। उसके बाद अरविंद कुमार उप छोटू, इन पर भी लूट, चोरी, सभी सेक्शन के कांड दर्ज है, तो सभी विस्तृत अपराधी के इतिहास वाले अपराधकर्मी है। और मैंने आपको पहले ही बताया कि रॉकी सिंह इस जिला के टॉप 10 अपराधकर्मियों में शामिल है, जिसे गिरफ्तारी पुलिस ने की। और एक ये भी मैं कहना चाहूंगा कि जितने भी मेरे पुलिस पदाधिकारी, उन्होंने बहुत ही प्रशंसनीय कार्य किया, इनको सबको मैं उचित पुरस्कार से पुरस्कृत करूंगा। अपराध उसकी तो जांच हो ही नहीं है, लगातार आप लोग देख रहे हैं कि जो भी आज कल गिरफ्तारी हो रही है उनके साथ बरामदगी हो रही है, तो इन लोग
नशा का भी सेवन कर रहा है अपराध करने के क्रम में, और इसी अपने सेवन के लिए, इसको हम बेचने की श्रेणी में नहीं मानते हैं, लोग अपने सेवन के लिए स्मैक और नशीले पदार्थ रख रहे हैं। का बहुत बड़ा गिरोह सिवान जिला में सर फैला हुआ है। इस जगह किसी हाल ही फिलहाल के मुझे सुना, हाल ही फिलहाल टॉप 10 है सर, टॉप 10 है सर। आप लोगों के पास कोई ऐसा नियम कानून नहीं है कि उसको जेल से बाहर नहीं निकलने दें? ऐसा कानून तो कोर्ट के निर्णय पर आधारित है, आप जानते हैं। आपके तो हाथ में है तो उसको चार्ज, मेरे हाथ में जेल से नहीं निकलने देना कैसे मेरे हाथ में? हम लोग तो जो कानूनी कार्रवाई है वही करेंगे ना, बाकी तो निर्णय कोर्ट करती है। वो निकाल कर आपको हेडेक कर दे, इसके लिए कोई कानून नहीं है। कानून है जो मैं तो बता ही रहा हूँ, जो कानूनी प्रक्रिया है पुलिस उसी में कार्य करती है, लेकिन बेल देने का निर्णय तो माननीय न्यायालय पे है ना। ठीक है सर, और आपके पास कोई कानून नहीं है उसको अंदर रखने के लिए? ऐसे ऐसा हमारे पास कोई कानून नहीं जिसे किसी को अंदर रखा जाए। केस में जाते हैं, साक्ष्य के आधार पर जाते हैं, कोर्ट से भी बेल होता है। हम लोग देखे हैं, आपको रिकवरी भी हो रही है, लगातार ये प्रक्रिया चलेगी। अपराध कर्मी का भी खत्म नहीं होता है समाज से, अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी होती रहती है। ठीक, चलिए पेट्रोलिंग अभी क्या हुआ? अरे होते रहता है अपराध कर, सदमवा हेडेक किया हुआ है। चलो हटाइए, यही सब हटाइए, सरकार हटाइए, हो गया। देश और दुनिया की ऐसी ही खबरों को पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स जरूर।